मैं अभी कुछ 15 से 20 दिन बचे हैं, एक डेफिनेटिव स्ट्रेटजी बताऊंगा, लास्ट स्ट्रेटजी है ये, इसको आप फॉलो करेंगे अगले 15 से 20 दिन में। क्या करना है वो तो बताऊंगा ही, लेकिन क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है, ये भी डिस्कशन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, प्लीज एंड तक देखिएगा। अगर समय कम है तो डबल स्पीड करके देख लो, लेकिन देखना जरूर, ठीक है। काफी की पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये बातें फॉलो करके आपका अप टू 50 मार्क्स या मोर इंक्रीज हो सकता है इन 15 से 20 दिन में, ठीक है। कई बच्चों का मैं पिछले 3-4 साल से मैं सेम बातें कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं सबके नंबर बढ़ते हैं, 30-40-50 मार्क्स बढ़ जाते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग दीज फ्यू थिंग्स, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका, अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखो, आप पिछले 2 या 3 साल के पेपर देखो, 21 का पेपर देखो, 22 का पेपर देखो, 2020 का भी पेपर आप देखिए, आप नोटिस करेंगे कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, पहला की जो अपना इंसाइट रहेगा। और दूसरा कि फिजिक्स में पेपर एनसीईआरटी बेस्ड तो हो ही रहा है, लेकिन मोर ऑन द न्यूमेरिकल साइड, मतलब उसमें केवल सिंपल से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। सिंपल न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूला ही पूछ लिया, बस आपको फॉर्मूले में प्लग इन करना है, आंसर आ गया। ये ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर आप पिछले 2-3 साल के पेपर देखे जेई मेन के, तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। हम कई बार क्या करते हैं, हम अपनी कोचिंग की शीट को देख के डिप्रेस हो जाते हैं, उसमें तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ होता है, राइट। हमको नहीं सोचना है, हमें केवल अभी 15 से 20 दिन बचे, आप केमिस्ट्री के एनसीईआरटी और फिजिक्स के सारे फॉर्मूला आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है, आप अभी तक स्लैक कर रहे हो, अभी भी टाइम है बच्चों, अभी भी अगर आप अड़ गए ना, 15-20 दिन बहुत ज्यादा होते हैं एक किताब पढ़ने के लिए, एक एक हफ्ते में हो जाती है किताबें कंप्लीट, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस आपने 12th बोर्ड के लिए कुछ पढ़ा ही होगा, राइट। तो हो सकता है स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं इतना दावा करने को तैयार हूं कि आज भी अगर कोई बच्चा अड़ गया केमिस्ट्री में, मैं मैथ्स और फिजिक्स में नहीं कह रहा हूं, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, आज भी अगर कोई बच्चा अगर अड़ गया कि मुझे केमिस्ट्री एनसीईआरटी करना है, आप जेई मेन के दिन केमिस्ट्री में 20 से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे, आज भी अगर ठान लिया आपने, इतना टाइम बचा है अभी आपके पास, ठीक है। मैथ्स में मैं ये चीज नहीं क्लेम कर रहा हूँ, फिजिक्स में मैं ये चीज क्लेम नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में मैं कर रहा हूँ। और अगर केमिस्ट्री में भी अगर आप 20 क्वेश्चन करके आ गए हो, 10-10, 15-15 आप मैथ्स में फिजिक्स में करके आ गए, तो आपका अच्छा खासा हो गया एग्जाम। तो प्लीज आने वाले 15 से 20 दिन में केमिस्ट्री एनसीईआरटी सभी बच्चे ढंग से रीड करने की कोशिश करेंगे विद जेई मेन के पीवाईक्यूज ऑब्वियसली, ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती रहे। तो फर्स्ट टिप तो मेरी यही थी। दूसरी टिप जो आपकी रहेगी वो ये रहेगी फिजिक्स की, बताने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा 10 सेकंड का, कि अगर आप अभी तक हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल्ड नहीं हुए हो जेई मेन प्लस एडवांस के, उस पर कल यानी 17 मार्च तक आपको 2000 रुपीज की सेविंग मिल रही है, केवल 2999 3000 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है, जो आपका एडवांस तक चलेगा उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये जो भी मैंने बातें बोली है वो सब भी आपके एक कोर्स आपको बस करना है, वो पूरा अगले 20 दिन में केवल उस कोर्स को पढ़ लेना, तुम्हारा जेई मेन डेफिनेटली बहुत अच्छा निकाल देंगे हम, ठीक है। और डिटेल्स लास्ट में बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स और दी हुई है। चलिए शुरू कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, जस्ट एक रिमाइंडर दे रहा था कि कल लास्ट डे ऑफ सेविंग 2000 रुपीज है, तो बाय कर लीजिएगा, और अभी टाइम भी आपके पास पढ़ने का, बाद में टाइम नहीं बचेगा, राइट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। दूसरी एडवाइस मेरी ये थी फिजिक्स में, कि फिजिक्स में आप अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं भी आ रहा है ना, फॉर्मूले रट के चले जाओ, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले रट के चले जाओ बस, ठीक है। इससे भी काफी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हर साल आ रहे हैं जो प्योर फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस प्लग इन के आंसर आ गया, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूले की शीट चाहिए तो एकेडबुक्स की वेबसाइट पर, सॉरी एकेडबुक्स की ऐप पर फ्री नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, फ्री है वो नोट्स, लाखों बच्चे यूज कर चुके हैं नोट्स को, तो उनसे पढ़ सकते हो, और उसमें सारे शॉर्ट नोट्स कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना एक बार, ठीक है। तीसरा एडवाइस जो अगेन हर साल मैं देता हूँ, हर साल बच्चे इग्नोर करते हैं, हर साल बच्चों की नैया डूबती है, इस साल भी हुआ था, नॉन जेई एडवांस वाले चैप्टर्स, ठीक है। कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो ट्रेडिशनली जेई एडवांस में नहीं आते थे, तो इसलिए कोचिंग वाले उन पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे भी नहीं देते, और टीचर्स को एग्जामिनर्स को ही पता है कौन कौन से चैप्टर्स हो गए, ये आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, इवन बायोमोलिक्यूल्स हो गया, आपका फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन, वर्नियर कैलिपर वगैरह, ये सब जो चीज़ें थी मेजरमेंट वगैरह, आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, हालांकि अब इनमें से कुछ चैप्टर्स जे एडवांस में भी आते हैं, लेकिन ठीक है, तब भी कोचिंग वाले इन पर ध्यान नहीं देते हैं। मैथ में स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, आपका ये लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, और एक मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे चैप्टर है, 10-12 जो बहुत मिनी चैप्टर्स हैं, ये आप 2-3 घंटे में निपटा सकते हो, ऐसे ऐसे चैप्टर्स है, कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पकड़ लो इनकी, क्वेश्चन 4-5-10 लगा लो बस, 2-3 कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर्स में, राइट। या हमारे शॉर्ट नोट से भी पढ़ ही सकते हो। इन चैप्टर्स को आप प्लीज थोड़ा सा साफ करके जाइए, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन इन चैप्टर से मिला के आने वाले हैं,
जो हर बच्चा छोड़ने वाला है वो आपकी कॉम्पिटिटिव एज बनेगी, ठीक है। क्योंकि आज से शुरू करके रोटेशन समझना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चैप्टर्स आप आज शुरू होके भी समझ सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ ये मेरी तीसरी एडवाइस है कि इन चैप्टर्स को इग्नोर मत करना। इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल बच्चे छोड़ के आते हैं और हर साल फिर आके बोलते हैं ये चैप्टर पढ़ लेना चाहिए था। तो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा ठीक है, मुझे पता है थोड़ी बोरिंग है, थोड़ा रटम ज़्यादा है इनमें, रटम विद्या, बट ठीक है, करनी पड़ती कुछ चीज़ें। जो तीसरी एडवाइस मैं आपको, जो चौथी पॉइंट मैं आप सभी बच्चों को देना चाहूँगा वो ये है कि अब कोई नया चैप्टर हमको शुरू नहीं करना है। आई थिंक ये आप सभी को ऑब्वियस था वैसे भी, लेकिन फिर भी समझ जाएं कि प्लीज़ कोई नया चैप्टर शुरू ना करें। क्योंकि देखिए, अभी आपको केवल दो ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, पहले वो चैप्टर जो आपके बहुत अच्छे हैं, जिनमें आप ऑलरेडी बहुत अच्छा जानते हो, जनवरी में भी अच्छा करके आए थे, ठीक है, वो चैप्टर्स आप रिवाइज करें, क्योंकि वो हमारे जीतते हुए बैट्स हैं, हम उनको लूज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई जो चीज़ें हमें स्कोर ला रही है उनको हम धक्का मार दें, उनको हम रिवाइज करेंगे। और जो चीज़ें आपकी मॉडरेटली प्रिपेयर्ड है, ठीक ठाक आती है, उनको हम रिवाइज करेंगे, उनको हम और बेटर समझेंगे, क्योंकि उनमें स्कोप है समझने का। अब कोई चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है, अब आपने लेट से सरफेस टेंशन पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, वो तो फिर भी छोटा चैप्टर है, आप एक बार सोच सकते हो। लेट से आपने वेव ऑप्टिक्स आपने नहीं पढ़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, अब वो चैप्टर समझने में थोड़ी देर लगती है, तो वो आप अभी पढ़ना चालू करोगे कोई सेंस नहीं। उसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे, उम्मीद करेंगे, पूजा करेंगे एग्जाम से एक दिन पहले कि 100 रुपये चढ़ाएंगे भी भगवान को, क्या बोलेंगे कि इससे फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आए। अब आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं यार, 1000 रुपये चढ़ाने चाहिए थे शायद, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, ऑफेंड मत हो जाना कोई, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि मॉडरेटली प्रिपेयर्ड और जो अच्छे प्रिपेयर्ड है उन्हीं चैप्टर्स को हम पढ़ के जाएंगे, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल टिप जो रहेगी कि अभी आप प्लीज़ अपने सिली मिस्टेक्स पर वर्क करिए। ट्रस्ट मी, केवल सिली मिस्टेक्स को सही करके हर बच्चा 30 से 40 नंबर ज़्यादा ला सकता है। मैं एग्जाम में 360 नंबर केवल एक वजह से लाया था, क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक की नहीं थी। अगर की होती तो मैं शायद 330 340 ही लाता। और ये जो डिफरेंस है केवल एक वजह से है, क्योंकि मैंने लास्ट के एक दो हफ्ते में सिली मिस्टेक एलिमिनेशन पर बहुत ज़ोर से काम किया था। मेरी एक पूरी डायरी मेंटेन थी जिसमें मैं लिखता था, मतलब मैं जब भी टेस्ट देता था उसमें कोई सिली मिस्टेक हो जाती थी ना, मैं डायरी में लिखता था कि यार आज मैंने ये वाली सिली मिस्टेक की, कि कैलकुलेशन में जैसे मैंने एरर की है कि लेट से मैंने कैलकुलेट गलत कर दिया, और मैं देख रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर तरह की कैलकुलेशन है वो मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, लेट से लॉन्ग डिवीजन या स्क्वायर रूट, तो उसका मैंने फिक्स निकाला कि स्क्वायर रूट में गलत कर रहा हूँ भाई, स्क्वायर रूट निकालते समय धीरे चलना है, डबल चेक करना है, ठीक है। जैसे हमारे टाइम पे OMR बबल करनी पड़ती थी, आपके ऑनलाइन नहीं होते थे एग्जाम, राइट, तो वहाँ पे भी मैं कभी कभी मिस्टेक करता था, तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाला कि पेपर करते करते ही OMR भरते जाओ। कई बच्चे लास्ट में भरते हैं OMR, मतलब पहले, ठीक है, अब तो आप लोगों का सिस्टम चेंज हो गया, कि पहले क्या कुछ बच्चे पेपर के बाद लास्ट में भरते थे, उसमें कई बच्चों का सीरियस जैसे बिगड़ गया कि 2 की जगह 3 में बदल गया, 3 की जगह 4 में, तो पूरा पेपर 100 की जगह नेगेटिव में चला जाता था, राइट। तो इस चीज़ पे मैंने वर्क किया कि भाई 7 पे 7 करते जाओ। तो आप एक डायरी में लिखते जाओ कहाँ कहाँ पे सिली मिस्टेक करते हो और उसका एक फिक्स बनाओ। ये चीज़ कर दोगे ना, केवल एक ये टिप, बाकी सब तो मैंने कुछ किया ही नहीं, केवल ये एक टिप फॉलो करके सभी बच्चों के 3, 4, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो पूरी लिस्ट बताई है ना, आप गिनो, आपको मैं गिनाता हूँ नंबर कितने बढ़ेंगे आपके। आपने अगर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पढ़ सारे याद करके गए, सारे फॉर्मूले एकदम डिट्टो रट के गए, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकालोगे एटलीस्ट। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, NCERT अगर पूरी याद की है, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 3, 4, 5 क्वेश्चन तो हर बच्चा एक्स्ट्रा करके आएगा ही आएगा, चलो 3 मान लेते हैं लीस्ट केस पॉसिबल, 6 क्वेश्चन आपके मैंने एक्स्ट्रा बढ़वाए। सिली मिस्टेक ज़्यादा नहीं तो 3 क्वेश्चन तो गलत करते हो, 3 क्वेश्चन और सही करो, 9 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा करा रहा हूँ मैं। जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स मैंने बताया उनमें से चलो 5 क्वेश्चन आ गए, आपको 3 ही याद रहे, चलो 3 ही करते हैं, 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपके करवा रहा हूँ। और मैंने आपको बोला कि जो चैप्टर्स नहीं आते उनको छोड़ दो और अभी वाले रिवाइज करो, चलो वो तो आप वैसे भी करते, चलो उसका मैं नहीं मान रहा हूँ, क्रेडिट नहीं लेना मुझे फालतू का, 12 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ मैं। कितने 12 क्वेश्चन कैलकुलेट करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितने नंबर हो गए, 48 मार्क्स के क्वेश्चन आप आज से शुरू होके एक्स्ट्रा कर सकते हो, लीस्ट पॉसिबल केस माना है मैंने, सब में मैंने लीस्ट कैलकुलेशन की है, रियलिस्टिक बात की है, कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलना चाहिए बोले कि फालतू बातें करते हो, कैलकुलेट करके बताया। और आप ये भी तो सोचो कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ आप क्वेश्चन नेगेटिव करके आओगे तो उनके भी 4-5 नंबर जुड़ेंगे, तो 50+ नंबर आज बैठे हुए बच्चे, 15 दिन बच्चे एग्जाम में, आज भी आप ला सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। आपको और नंबर लाने, 50 की जगह और ज़्यादा नंबर लाने, तो आप हमारे अकेडमिक के 23 क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो। ये अल्टीमेट मेडिसिन है फॉर JEE एस्पिरेंट्स, जिनका लास्ट टाइम में प्रिपरेशन जिनको करना है अच्छे से, पिछले 4 बैचेस इस कोर्स को यूज करके अपने लास्ट टाइम में मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं। और आपके कई सारे फ्रेंड्स ने जनवरी टर्म में वो किया भी था, और अभी भी कई बच्चे जो अब एप्लीट की तैयारी कर रहे हो हमारे कोर्स से, उनके टेस्ट में नंबर्स आते हैं,
मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट उनका हर वीक हो रहा है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ओनली फॉर टुडे एंड टुमारो 17 मार्च तक आप उसको ओनली फॉर ₹3000 अवेल कर सकते हैं। ₹3000 की इन्वेस्टमेंट में इतने ज़्यादा नंबर, इतना ज़्यादा बेनिफिट एडवांस तक कोई नहीं कराने वाला है आपका, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लेना ही लेना चाहिए और उसको पूरा सॉल्व कर देना चाहिए। आप केवल ये एक चीज़ भी कर लेते हो ना कि उसको पूरा सॉल्व कर लो, ट्रस्ट मी विद द एडवाइसेस जो मैंने आपको दिए है इस वीडियो में उनके साथ उसको आप करेंगे, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा एग्जाम चला जाएगा। आप खुद को थैंक करोगे, मुझे तो करोगे, खुद को थैंक करोगे कि हमने डिसीजन लिया। सो डू चेक आउट द कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कोर्स नहीं भी लेते हो तो भी ये पांचों बातें फॉलो करना, तुम्हारे नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है। सो यही थी मेरी वीडियो यार, लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके थोड़ा बता दो तुम्हारा नाम, जेई में क्या रैंक लाओगे, थोड़ा कुछ अपडेट दो अपने बारे में, ताकि फिर आके याद करोगे अरे यार हाँ भैया हमारी रैंक इस बार आई है, इतनी इतना परसेंटाइल हम लेके आए हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो रैप अप करते हैं, लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कर देना, पसंद आई हो तो मेरे सोशल हैंडल्स ट्विटर लिंक्डइन फेसबुक इंस्टाग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ, टेलीग्राम वगैरह सबका लिंक है, ठीक है। एंड कोर्स लेना हो तो आज और कल में ही लेना, फिर बाद में नहीं, बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बाद में मैं खुद ही मना कर रहा हूँ मत लेना, आज और कल में लेना, प्राइस भी कम है और समय भी है, अभी 15-20 दिन में हो जाएगा, फिर एडवांस के लिए वो यूज़ हो जाएगा, तो आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक।